हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल आउसी के मैथ में। आज हम बेसिक का दूसरा टॉपिक बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपोजाइट नंबर। पहले टॉपिक में हमने बताया था आपको प्राइम नंबर के बारे में, प्राइम नंबर क्या होते हैं और हमने 1 से लेकर 100 तक के आपको प्राइम नंबर निकालने सिखाए थे। आज हमारा दूसरा टॉपिक है कंपोजाइट नंबर। जैसे प्राइम नंबर होते हैं ऐसे दूसरे होते हैं कंपोजाइट नंबर, तो आज हम बताएंगे आपको कंपोजाइट नंबर के बारे में। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में कंटिन्यू इनको शेयर कीजिए। ये ऐसे टॉपिक्स बता रहा हूँ मैं, ये बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स हैं, बेसिक बातें हैं मैथमेटिक्स की, इनको जानना बहुत जरूरी है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको समझ में आते हैं, तो ये आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अपने भाई बहनों को बताइए, अपने रिलेटिव्स में आप शेयर कर सकते हैं इन चीज़ों को। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो आपको हर वीडियो में नया नया एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, एक नया टॉपिक बताया जाएगा जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको देखना ना भूलें और इस वीडियो को पूरे लास्ट तक सुने, तो आपको पता चलेगा कि आज हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आपको कंपोजाइट नंबर। तो पहले हमने बताया था आपको प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? दोज नंबर विच इज डिवाइड बाय इटसेल्फ और वन, जो अपने आप से और वन से डिवाइड होते हैं उन्हें प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर के होते वो होते हैं जिनके दो फैक्टर होते हैं, एक्जेक्टली टू फैक्टर। तो आज हम बात कर रहे हैं कंपोजाइट की, इसका मतलब जो नंबर आपके प्राइम नहीं होंगे वो कहलाएंगे कंपोजाइट नंबर। दोज नंबर विच इज नॉट प्राइम इज नोन एज कंपोजाइट नंबर, जो नंबर प्राइम नहीं होंगे तो वो कंपोजाइट होंगे। तो कंपोजाइट नंबर आपको पता कैसे लगा ये कंपोजाइट है? दोज नंबर विच हैज मोर देन टू फैक्टर्स इज नोन एज कंपोजाइट नंबर, ऐसे नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होंगे। कंपोजाइट नंबर दोज नंबर विच हैज मोर देन टू फैक्टर, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होंगे, जो आपका दो से ज्यादा टेबल में आता होगा। जैसे हमने सिक्स लिया, सिक्स क्या है? वन से भी डिवाइड होता है, टू से भी होता है, थ्री से भी होता है और सिक्स से भी होता है। जो आपका सिक्स है वन से भी आता है, टू से, थ्री से और सिक्स से। सिक्स के जो है कि फैक्टर हो गए, जो हमारा सिक्स है इसके आप फैक्टर निकालोगे आप, ये किस किस के टेबल में आता है? वन में भी आता है, टू में भी, थ्री में भी और सिक्स में भी आ रहा है। इसके कितने हो गए? मोर देन टू फैक्टर है, दो से ज्यादा फैक्टर है, तो सिक्स कैसा नंबर हो गया? कंपोजाइट नंबर हो गया। कंपोजाइट होने के लिए मोर देन टू फैक्टर होने चाहिए, कितने फैक्टर होने चाहिए? मोर देन टू फैक्टर्स, ठीक है ना। आपका देखो फोर है, फोर के फैक्टर निकालोगे वन आएंगे, टू आएंगे और फोर आएंगे, तो फोर भी कैसा हो गया? कंपोजाइट हो गया। तो कंपोजाइट होने के लिए मोर देन टू फैक्टर होने चाहिए, तो कंपोजाइट नंबर हो जाते हैं आपके फोर, सिक्स, ठीक, एट, नाइन, टेन, ट्वेल्व, फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन, एटीन, ट्वेंटी, ऐसे नंबर चलते रहेंगे आपके। कैसे हो जाएंगे सब? ये कंपोजाइट नंबर है क्योंकि इनके क्या है? मोर देन टू फैक्टर्स हैं ये, ठीक है ना। तो इसमें स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजाइट नंबर होता है नाइन, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजाइट नंबर वो क्या होता है? नाइन होता है। नाइन जो होता है आपका स्मॉलेस्ट भी है और ऑड कंपोजाइट नंबर आएगा, ठीक है ना। बाकी सारे कैसे आ रहे हैं इसके अंदर? ये इवन नंबर आ रहे हैं अभी स्टार्टिंग में, है ना, ऑड भी आएंगे इवन भी आएंगे। तो सबसे पहले ये स्मॉलेस्ट कंपोजाइट नंबर होता है फोर, स्मॉलेस्ट कंपोजाइट नंबर होता है फोर होता है और स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजाइट नंबर होता है नाइन। तो कंपोजाइट नंबर वो हो गए जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं उन्हें बोलते हैं कंपोजाइट नंबर, और जिनके दो फैक्टर होते हैं उन्हें बोलते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर आपको समझ में आ गए। तो पहला काम क्या है? कोई भी नंबर दे रखा है उसका फैक्टर करके देख लीजिए। तो हमने जैसे ये एक नंबर लिखा 17, 17 के फैक्टर करोगे 1 और 17 आ गया, दो फैक्टर आए तो ये कैसा हो जाएगा? प्राइम हो जाएगा। आपने लिखा 18, 18 के हो जाएंगे 1, 2, 3, 6, 9 और 18, ये फैक्टर हो गए, मोर देन 2 है तो ये कैसा हो जाएगा? कंपोजिट, या नंबर आपका प्राइम होगा या फिर वो कंपोजिट होगा। इतने भी आपके इंटीजर्स नंबर दे रखे हैं, पॉजिटिव इंटीजर की बात करें हम, पॉजिटिव इंटीजर है उसके आप फैक्टर कर लीजिए आप। यदि आपको दो फैक्टर आते हैं, दो टेबल में आता है सिर्फ वो, तो प्राइम है। दो से ज्यादा टेबल में आ रहा है नंबर तो आपका वो कैसा हो जाएगा? कंपोजाइट नंबर हो जाएगा। कंपोजाइट नंबर होने के लिए मोर देन टू फैक्टर होने चाहिए, और प्राइम नंबर होने के लिए कैसे होने चाहिए? ओनली
टू फैक्टर होने चाहिए, ठीक है ना। यदि कोई आपका नंबर कंपोजाइट है तो आप उसके फैक्टर करके देखें, यदि फैक्टर में आपके दो से ज्यादा फैक्टर आ रहे हैं तो कैसा हो जाएगा, वो कंपोजाइट हो जाएगा। और यदि आपके ओनली टू फैक्टर्स आ रहे हैं तो कैसा हो जाएगा, वो प्राइम नंबर हो जाएगा। प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच इट डिवाइड बाय इटसेल्फ और वन, एंड कंपोजाइट नंबर इज दोज नंबर विच हैज मोर देन टू फैक्टर्स, सो इट इज कॉल्ड कंपोजाइट नंबर। ठीक है, ये आपके पास समझ में आई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ज्वाइन द नेक्स्ट वीडियो फॉर द नेक्स्ट बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ये छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों तक के सबके काम आने वाली चीजें हैं, ये बेसिक चीजें हैं। यदि आपको ये बेसिक पता होती हैं तो इस पर आप डिपेंड क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। थैंक यू।